मित्रों, नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप और हम मित्रों, नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आप इस नए वर्ष में बहुत अधिक काम करें, नाम करें, समाज के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाते हैं। मित्रों, जीवन जब से हमारी शुरू हुई है, उसी समय से समय का चक्र भी शुरू हो गया है और उसी चक्र में हमारे नए वर्ष आते हैं और फिर नए वर्ष पुराने हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसके जगह पर नए वर्ष चले आते हैं। मित्रों, ये प्रक्रिया चलती रहती है और एक दिन हम पूरे समय को उपयोग कर लेते हैं। मित्रों, मेरी आपसे प्रार्थना है और आपको मेरा सुझाव भी है कि सचमुच में नया वर्ष हम खुशी के साथ मनाएं, लेकिन नया वर्ष में कुछ न कुछ करने का जरूर संकल्प लें। मित्रों, ऐसे तो बहुत सारे संकल्प हम लोग लेते हैं कि नए वर्ष में इस काम को करेंगे, इसको करेंगे, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे संकल्पों में धीरे धीरे वे संकल्प भूलते जाते हैं। और माना जाता है, ये शोध से भी साबित हो चुका है कि नए वर्ष में अधिक से अधिक लोग संकल्प लेते हैं कि अगले साल मैं पढ़ाई करूँगा, समय का सदुपयोग करूँगा, कोई नई चीज़ का शुरुआत करूँगा या कोई नया काम करूँगा। तो सचमुच में मित्रों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शोध ये भी बताता है कि धीरे धीरे हम शिथिल होते जाते हैं और 80% तो हमारे संकल्प फरवरी आते आते विलुप्त ही हो जाता है। और उन्हीं में से जो लोग अपने संकल्पों के साथ दीप को प्रज्वलित करते रहते हैं या संकल्प और उनके दीप एक साथ चलते हैं, तो सचमुच में अगले 31 दिसंबर तक जब वे पूरे वर्ष की समीक्षा करते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होता है। तो मित्रों, एक बात सत्य है कि जब भी हम लगन से समय का सदुपयोग करके कुछ भी काम करते हैं, कोई भी संकल्प हो, संकल्प चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं और आने वाला वर्ष आपका मंगलमय हो। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत।